Good morning. My name is Akshay Mohan Jha, and today I am going to take you through the chapter number 3, Glimpses of the Past of English Literature, main book for class 8. Students, if you remember, I have studied this chapter and I have summarized this many a times. Now, today I am going to take the topic of revolt of 1857. Then there was a violent outbreak at Meerut. Now, here we learn that there was a violent outbreak का मतलब होता है eruption, English में eruption कहते हैं और हिंदी में इसको प्रकोप कहेंगे। तो एकाएक लड़ाई शुरू हो गई और मेरठ से शुरू हुआ ये लड़ाई। The sepoy marched to Delhi, long live our emperor Bahadur Shah, और जितने भी सिपाही लोग थे वो लोग वहाँ से दिल्ली आए। उस समय दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे एज ए एम्परर, सो सब ने उनका अभिवादन किया और कहा कि एम्परर जो हैं वो बहुत दिनों तक जिए। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोही। तो जो रिबेलियन थे वो चारों ओर फैल गए। मैनी लैंड लॉर्ड हैड लॉस्ट द लैंड्स बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, बहुत सारे जो किसान थे जमींदार थे उन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज़ को लेके चलते वो अपना ज़मीन खो दिए थे। एंड दे वर सोर एंड दे वर वेरी एंग्री, सोर मीन्स एंग्री बिटर। द वाइट मैनस रूल मस्ट एंड, और उन लोगों का मानना था कि जो अंग्रेज का जो ये है रूल राज्य वो समाप्त होना चाहिए। येस वी विल हेल्प यू, और सब ने कहा कि हाँ हम आपकी मदद करेंगे। जितने भी आम आदमी थे उन लोगों ने भी कहा कि वो उनकी मदद करेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि पहले पार्ट में एक तरफ जहां अंग्रेज़ से मदद लेने के लिए हिंदू राजा थे वो थे, अब यही हिंदू राजा जो थे अब वो क्रोधित हो गए थे अंग्रेज़ से और वो उनको हटाना चाहते थे। केवल हिंदू राजा ही नहीं बल्कि सिपाही भी एकजुट हो गए थे और जो लोग हैं वो भी एकजुट हो गए थे। तो 1857 का जो विद्रोह था, The rebellion of 1857 or the revolt of 1857 was not limited to sepoys itself. It spread like a wildfire among the people and to the common people. Now here, the fight for freedom 1857. अब ये जो लड़ाई थी 1857 की, many former rulers like Begum Hazrat Mahal of Lucknow were bitter. Begum Hazrat Mahal करके थी एक लखनऊ की, वो बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के पॉलिसीज़ यानी उनकी जो उनका जो तौर तरीका से उससे बहुत ज़्यादा नाखुश थे। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, उनका कहना मत था कि जो सफ़ेद लोग हैं उन्होंने हमारा राजपाट छीन लिया है। दूसरा है, पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला और फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, मौलवी अहमदुल्ला जो है फैज़ाबाद के, उसने कहा राइज ब्रदर राइज, उन्होंने कहा भाइयों खड़े हो, द अंग्रेज इज़ रूलिंग आवर लैंड, अंग्रेज जो हैं हमारे ज़मीन पे काबिज़ कर लिए हैं। नाउ दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर्स, अब देखिए तो बेगम हजरत महल और उन तरह उन्हीं के तरह और भी राजा रजवाड़ा जो थे उन वो लोग अंग्रेज के विरुद्ध खड़े हो गए। अब दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कॉमन पीपल जो हैं, जो आम आदमी भी हैं वो लोग भी अंग्रेज़ के अगेंस्ट खड़े हो गए। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली कानपुर एंड इलाहाबाद, बरेली कानपुर इलाहाबाद सब में लोग खड़े हो गए। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या तोपे, अब अजीमुल्ला खान जो थे उन्होंने तात्या तोपे को कहा वी शुड हैव पेशवा नानाजी साहब एज अ लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्होंने कहा कि हमें पेशवा नानाजी को अपना मुखिया बनाना चाहिए, अपना लीडर बनाना चाहिए, अपना नेता बनाना चाहिए इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में यानी इस युद्ध में। द पेट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया, क्या हुआ जितने भी राष्ट्रभक्त हैं उन लोगों ने ब्रिटिशर्स के ऊपर चढ़ाई कर दी और ये लड़ाई जो है चारों ओर फैल गया पूरे उत्तर भारत में। इसी बीच 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, इसी दौरान 80 साल के कुंवर सिंह जो थे उनको उनके कलाई में, रिस्ट मतलब कलाई में,
एक गोली लग गई अंग्रेज के द्वारा। मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। और उन्होंने क्या किया कि अपने हाथ को काट के गंगा में बहा दिया, ये कहते हुए कि ये मेरा आखिरी आपको चढ़ावा है, ऐसे करके उन्होंने दे दिया। स्टूडेंट्स, व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट टू यू डू इज़ स्टडी द चैप्टर वेरी केयरफुली, डू द कॉम्प्रिहेंशन चेक ऑन योर ओन। आई बी प्रोवाइडिंग यू द क्वेश्चन आंसर टुमारो, वन एंड द सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट टू पुट इट राइट हियर इज़ that you should also do the vocabulary on your own. You should write down the difficult words on your own, choose it, underline it, and do write the meaning of the words on your own. If you still you have problem, I'm here, you can send me your reflection or your thought or your feedback, and I'll help you with that. Thank you, have a wonderful day.